CFA तो फिल किया ही हुआ है, साथ में कोई टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर लेते हैं, हम शेयर मार्केट भी सीखना चाहते हैं, हम कोई XYZ दूसरा कोर्स कर लेते हैं। ऐसा ना करें कि आप अपना एग्जाम 4 महीने बाद स्केड्यूल कर लें, ऊपर ऊपर से पढ़ाई करके एग्जाम दें। ये सही तरीका नहीं होगा इस एग्जाम को परस्यू करने का। मेरे हिसाब से इससे बेहतर तरीका है जॉब के साथ CFA करना, इज द मोस्ट आइडियल वे टू गो अबाउट इट। इनफैक्ट एट द मिनिमम आई थिंक लास्ट 15 डेज की लीव तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप टाइमली बेसिस पे लीव अप्लाई कर लें तो देयर इज अ गुड चांस दैट यू माइट एंड अप गेटिंग इट। हेलो कैंडिडेट्स, मैं हूं CFA करण सिंह, लीड फैकल्टी एट द वॉल स्ट्रीट स्कूल फॉर CFA एजुकेशन। अक्सर कैंडिडेट्स मुझसे एक सवाल पूछा करते हैं, दे आस्क मी दैट सर कैन CFA बी क्रैक्ड विद अ जॉब, आवर जॉब्स आर रियली स्ट्रिंजेंट, वी हार्डली गेट एनी टाइम फॉर आवरसेल्व्स, कैन वी परस्यू अ कोर्स लाइक CFA अलॉन्ग विद दिस। शॉर्ट आंसर, हेल यस, देयर इज नो रीजन दैट यू कैन नॉट क्रैक CFA विद अ जॉब। नाउ लेट्स टॉक इन द डिटेल्ड मैनर। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस कोर्स वॉज डिजाइंड बाय CFA इंस्टीट्यूट्स फॉर कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। CFA इंस्टीट्यूट ने कभी इन्विसाज किया ही नहीं था कि कैंडिडेट्स इस कोर्स को फुल टाइम प्लान करेंगे। ये तो इंडिया और चाइना के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस तरीके का ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, एंड टुडे वी सी अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर फुल टाइम स्टूडेंट्स। आई एम नॉट डिस्करेजिंग देम, बट आई हम्बली रिक्वेस्ट यू नॉट टू परस्यू सच अ प्लान। मेरे हिसाब से इससे बेहतर तरीका है जॉब के साथ CFA करना, इज द मोस्ट आइडियल वे टू गो अबाउट इट। इनफैक्ट इवन टुडे कैंडिडेट्स इन वेस्ट आर परस्यूइंग दिस कोर्स विथ अ जॉब रादर देन प्रिपेयरिंग इट इन अ फुल टाइम बेसिस। आई हैव सेड दिस एन नंबर ऑफ टाइम, फुल टाइम प्रेप फॉर CFA इज नॉट एडवाइजेबल। गेट इन टू द जॉब डोमेन ASAP। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन एक्शनेबल प्लान एंड डिस्कस कि आप एक किस तरीके से कर सकते हैं। 5 पॉइंटर्स हैं मेरे पास। पॉइंट नंबर 1, टेक एम्पल टाइम, डोंट रश टू इट। ऐसा ना करें कि आप अपना एग्जाम 4 महीने बाद स्केड्यूल कर लें, ऊपर ऊपर से पढ़ाई करके एग्जाम दें। ये सही तरीका नहीं होगा इस एग्जाम को परस्यू करने का। टेक समवेयर अराउंड 7 to 9 months एंड प्लान योर स्टडीज इन सच अ मैनर दैट यू आर स्टडिंग इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, नॉट टू रोट लर्न और मग अप एनीथिंग एट ऑल। पॉइंट नंबर 2, डिसिप्लिन, बी कंसिस्टेंट। डिसिप्लिन ट्रस्ट मी रिमेन्स द की टू क्लियर एनी प्रोफेशनल एग्जाम इंक्लूडिंग CFA। 2 से 2.5 घंटा पर डे ऑन वीकडेज, 6 to 8 hours पर डे ऑन वीकेंड्स, दिस इज वॉट वुड बी रिक्वायर्ड। दिस वुड टोटल टू अबाउट 20 to 25 hours पर वीक, विच वुड अमाउंट टू वॉट 100 to 125 hours पर मंथ। अगर आप 6 महीने 8 महीने प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस इज गुड 600-700 hours। CFA इंस्टीट्यूट तो 300-350 घंटे रिकमेंड करता है। आई डोंट रिकमेंड दैट। मेरे हिसाब से 600-700 घंटे इज दी स्वीट स्पॉट, और इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ आपको अपना वो स्वीट स्पॉट मिल ही जाएगा। पॉइंट नंबर 3, रोलिंग रिविजन्स। आफ्टर अबाउट 2 months ऑफ स्टार्टिंग योर प्रेप, एलोकेट एटलीस्ट 30% ऑफ योर टाइम टू रिविजन्स। इस समय को इंक्रीज करते जाएं। मीनिंग आपने प्रिपरेशन लेट्स से स्टार्ट की जनवरी में, तो जनवरी और फरवरी में कोई रिविजन के लिए समय ना दें। एक बार में जितने सब्जेक्ट्स होते हैं कर लें। मान लेते हैं 2 महीने में आपके लेट्स से 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च आप अपने दिन के घंटों में जितना भी आवर्स एलोकेट कर रहे हैं स्टडीज को, उसका 30% रिविजन को दे दें। लेट्स से आप 4 hours पर डे पढ़ते हैं, तो 4 का 30% अबाउट 1 से 1.5 घंटा आपको रिविजन करना चाहिए, और 2 से 2.5 घंटे ओपन टॉपिक फ्रेश टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, प्लान योर लीव्स इन एडवांस। अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं तो आपके पास प्लान्ड लीव का कॉन्सेप्ट होगा। एट द मिनिमम आई थिंक लास्ट 15 डेज की लीव्स तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप टाइमली बेसिस पे लीव्स अप्लाई कर लें तो देयर इज अ गुड चांस दैट यू माइट एंड अप गेटिंग इट। लास्ट 15 डेज में लीव्स होना वर्सेस फुल टाइम जॉब पे रहना और सिर्फ दिन में 2-4 घंटा प्रिपेयर करके एग्जाम देना माइट टर्न आउट टू बी द गेम चेंजर। ट्रस्ट मी, लास्ट के 15 डेज आर एज गुड एज 40 डेज इन जनरल सिनेरियो, बिकॉज हम तो पढ़ते ही लास्ट के दिनों पर है ना। पॉइंट नंबर 5, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट प्लान एनी अदर कोर्स इन बिटवीन। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, वो कहते हैं कि ठीक है CFA तो फिल किया ही हुआ है, साथ में कोई टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर लेते हैं, हम शेयर मार्केट भी सीखना चाहते हैं, हम कोई XYZ दूसरा कोर्स कर लेते हैं, या फिर कोई इंडियन कोर्स कर लेते हैं जिसका कोर्स सिमिलर टू CFA है, एक ही साथ में 2 डिग्री मिल जाएंगी। इट्स नॉट लाइक 1 डिग्री मिल जाएगी, 2 डिग्री मिल जाएगी। जॉब और CFA के बाद आपकी लाइफ में कुछ समय बच जाए, इसका कुछ खास चांस बचता नहीं है। ट्रस्ट मी, दिस वॉज माई इनपुट्स ऑन डूइंग CFA विथ अ जॉब। दैट्स इट एट माई एंड। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।